सभी समस्याओं का एकमात्र विकल्प। प्राणियों के सर्वांगीण विकास का श्रेष्ठ मार्ग नवीन दर्शन द्वारा नई सभ्यता का निर्माण। शोषण मुक्त आदर्श मानव समाज की स्थापना। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की अनुपम भेंट। आनंद मार्ग आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। नमस्कार, वरदान टीवी के विशेष कार्यक्रम आनंद मार्ग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमने अपने पिछले कार्यक्रम में भी समझा कि हमारे समाज के लिए, परिवार के लिए कितने जरूरी होते हैं हमारे मौलिक अधिकार, हमारे आदर्श। अगर उनको ही भूल जाएंगे तो कैसे हम अच्छे राष्ट्र का, अच्छे देश का निर्माण कर पाएंगे, वो सब हमने जाना आनंद मार्ग के द्वारा। यानी कि आनंद मार्ग एक ऐसी संस्था है जो हमें सिखाती है कि हमें नैतिक मूल्यों को अपना कभी नहीं भूलना है, अपने समाज कल्याण की भावना को अपने अंदर भी हमेशा जागृत करना है। यही उद्देश्य लेकर, यही संकल्प लेकर कि समाज का कल्याण हो सके, अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सके, आनंद मार्ग की स्थापना हुई सन 1955 में बिहार के जमालपुर जिले में, जहाँ पर कई परियोजनाएं का निर्माण किया गया। पहले की परियोजनाएं छोटे क्षेत्र में, छोटे स्तर पर ही रही, लेकिन धीरे धीरे वो ऐसे वैश्विक स्तर पर बढ़ी कि उन्होंने दिखाया कि सच में कई परियोजनाओं के द्वारा कई लोग जो है लाभान्वित भी हुए, लाभ प्राप्त किया, समाज का कल्याण भी हो सका। आपदा केंद्र भी बनाए गए, या यूं कहें कि बच्चों के लिए स्कूल भी बनाए गए, वयस्क क्यों ना हो उनके लिए भी ध्यान दिया गया। बहुत से ऐसे लोग हैं अनाथ आलय में रहते हैं, उनके लिए भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया। चिकित्सा बनाए गए, क्लिनिक बनाए गए, ऐसे डॉक्टर्स बुलाए गए ताकि जितने भी पीड़ित लोग हैं उनको उनके बीमारियों से दूर मिल सके, स्वास्थ्य अच्छा रह सके, यानी कि अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सके। सन 1965 में भी एक ऐसी ही योजना चलाई गई जिससे आपदा से राहत मिल सके, भले ही वो आपदा मानवीय हो या प्राकृतिक हो, सभी चीजों से हमें आपदाओं से राहत मिल सके। उस संस्था का नाम आपको बताना चाहेंगे, आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम। इस रिलीफ टीम का निर्माण किया गया ताकि जितने भी राष्ट्र में आपदाओं से पीड़ित होते हैं उनको सहायता मिल सके, और वर्तमान समय भी कार्यरत है वैश्विक स्तर पर। सिर्फ 1965 में ही नहीं, 60 के दशक से लेकर अब तक, यानी कि वर्तमान में कई ऐसी परियोजनाएं हैं, कई ऐसी संस्थान के द्वारा बनाई गई योजनाएं हैं जिसके माध्यम से पूरे राष्ट्र में लाभ मिल रहा है। और भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानेंगे, चर्चा को बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं आनंद मार्ग के वरिष्ठ सन्यासी आचार्य दन अब्दू जी महाराज, जिनके माध्यम से अपनी भ्रांति को दूर करेंगे। पिछले अपने कार्यक्रम में हमने समझा था कि नैतिक अधिकार क्या होते हैं, हिंसा अहिंसा दोनों ही रूप देखे थे, लेकिन अहिंसा के मार्ग पर वही चल सकता है जो सत्य को अपनाता है, लेकिन सत्य है क्या ये जाने गए उनसे। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। आनंद मार्ग की जितनी भी तारीफ की जाए, उसके बारे में जितना भी पढ़ा जाए, शायद कम ही पड़ जाते हैं शब्द मेरे पास, लेकिन फिर भी पिछले कार्यक्रम में हमने बहुत सी महत्वपूर्ण बातें जानी, नैतिकता को लेकर समझा, राष्ट्र के निर्माण के लिए जो जो छोटे छोटे बातें हम जिसको इग्नोर करते हैं वो हम आपके माध्यम से जान रहे हैं। अहिंसा और हिंसा दोनों ही विषयों पर हमने बात भी की थी, लेकिन अहिंसा के मार्ग पर वही चल सकता है जिसका पथ पर सत्य हो, लेकिन यही प्रश्न फिर से उठता है कि सत्य आखिरकार है क्या। सत्य के साथ एक और शब्द है जी, जिसको कहते हैं रित जी, और सत्य की व्याख्या है परहितार्थ वांग मनसो जी, दूसरे के हित के लिए अपने मन, वाणी और मन, इसका जो हम प्रयोग करते हैं सही, उसी को सत्य कहते हैं जी। और जैसा देखा वैसा कह दिया वैसा सत्य नहीं, उसको कहते हैं रित जी। इसलिए कहना गलत है कि ये सत्य है ये झूठ है। शब्द है सत्य और रित। रित मैंने जैसा देखा वैसा बयान कर दिया जी। अगर हम अपने कमरे में हैं या अपने कैंपस में बैठे हैं, कोई गाय का बछड़ा भागा हुआ डरा हुआ आ गया और पीछे से कोई आदमी रस्सी लेके आ रहा है, तो हमको देखना होगा कि ये उसका मालिक है, बछड़ा भाग के गया है, हम उसको बतला देंगे ठीक है यहाँ इसको ले जाओ जी। लेकिन अगर कोई आदमी तलवार लेके पीछे से आ रहा है तो क्या हम वैसे ही कह दें कि हाँ बछड़ा यहाँ छुपा हुआ है, तो सत्य का सही प्रयोग तो हुआ नहीं जी। इसलिए इसका प्रयोग की विधि
जान करके अपनाने की आवश्यकता है, इससे हमारा व्यक्तिगत जीवन भी सही रहेगा, अच्छा समाज और अच्छे राष्ट्र का हम निर्माण कर सकते हैं। इसलिए इन नैतिक मौलिक जो नियम है इसको समझ करके व्यवहार करने की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण ने भी कुरुक्षेत्र के मैदान में इसका व्यवहारिक प्रयोग किया कि हम न्याय के पथ पर असत्य से हमारा जो संग्राम है कैसे हम विजयी होंगे ताकि सही समाज का निर्माण हो। तो सत्य से व्यक्ति को भी फायदा है पालन करने से, और समाज को भी और देश को भी। तो कैसे फायदा करता है, मैं इसको दो शब्दों में आपको मैं समझाना चाहूंगा कि सत्य के प्रयोग से हमारी मन की अवस्था होती है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे जो चित्ताणु हैं उनके बीच में उसकी लाइन सीधी होने की वजह से उसके अंदर में घर्षण पैदा होगा चित्ताणुओं में, और उसके घर्षण से जो ऊर्जा पैदा होती है उसी को कहते हैं ओज। अगर किसी को कहते हैं कि ओजस्वी व्यक्तित्व है, इसका मतलब यही है कि उसका माइंड स्टेट होने की वजह से बात को सही कह रहा है, इसकी वजह से चित्ताणियों में घर्षण हो रहा है और उसके व्यक्तित्व में प्रकाश आ रहा है और वो आदमी फिर झुकता नहीं, अपने सिद्धांत पर अपने नियम पर अपने व्यवहार पर खड़ा रहेगा। तो उसके व्यक्तित्व को प्रभावित किया, ओजस्वी बनाया, और जो वो करेगा उसके मनसा वाचा करुणा में कोई भेद नहीं रहेगा। ये नहीं कि सोच रहा है कुछ, कह रहा है कुछ, कर रहा है कुछ, आज क्या हो गया है, आज समाज के अगुवा लोग हैं उन पर क्यों नहीं भरोसा कर रहे हैं, अविश्वास क्यों हो गया है, कि वो सोचते हैं कुछ, बोलते हैं कुछ और करते हैं कुछ। तो सत्यवादी होने से, सत्य का आचरण होने से ओज पैदा होगा, और जब हम सोचेंगे वही मुख से निकालेंगे और वैसा ही हम कर्म करेंगे, तो वैसे आदमी को सत्यवादी कहते हैं जी। वो होगा सत्याश्रयी, और सत्य नाम परमात्मा का है, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म पूर्णम ब्रह्म पूर्णम ब्रह्म, वर्ण ब्रह्म पूर्ण है, वो सत्य स्वरूप है, और उनकी प्राप्ति के लिए हमको ऐसा बनना पड़ेगा जी। अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने कर्म को सीधा करने के लिए इसका आचरण करना पड़ेगा जी। और जो सत्य का आचरण करेगा वो उसके जीवन में स्वाभाविक अस्तेय का पालन होगा। अस्तेय माने अचौर्य, चोरी नहीं करना। अगर कोई सत्यवादी हो और वो चोरी कर लिया तो थाने में जाकर के क्या स्टेटमेंट देगा कि हमने चोरी की, तो अचौर्य हो जाएगा, वो चोरी कर ही नहीं सकता है। इसलिए सत्य का पालन करने वाला अस्तेय का पालन कर ही देगा, दोनों एक दूसरे पर निर्भरशील है। और चोरी दो प्रकार की है, एक है डायरेक्ट चोरी, दूसरी इनडायरेक्ट चोरी। ठीक। चोरी की नहीं लेकिन करवा ली, बहुत लोग हैं इंस्टिगेट करके चोरी करवा देते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, परीक्षाओं में चोरी होती है, कहाँ कहाँ होती है, अपने मुंह से हम नकारात्मक चीजों को क्या कहें। तो आदमी करता नहीं करवाता है, वो अपराधी बड़ा है जो चोरी करवाता है। दूसरा है, दूसरी प्रकार की का और है चोरी जी। वो है कि शरीर से किया जी, और दूसरा मन से किया। अगर हम शरीर से फिजिकल चोरी नहीं कर सकते हैं तो मन में से सोचते हैं कि फलाने की चीज हमको हो जाए जी, ये भी चोरी हुई। इसलिए जब अस्तेय का पालन होगा तो न शरीर से चोरी होगी, न मन से चोरी होगी, न डायरेक्ट चोरी होगी, न इनडायरेक्ट चोरी होगी। तो जब आदमी सत्यवादी बनेगा तभी अस्तेय का पालन होगा, इससे हमारा व्यक्तित्व सबल होगा, उसका प्रभाव समाज पर पड़ेगा, उसका समाज हमारे देश पर समाज पड़ेगा। इस प्रकार से हम समाज की जो भीत है उसका फाउंडेशन है उसको इस प्रकार से मजबूत कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि सत्य के मार्ग पर चलकर अपने पथ को इस तरह से आसान बना सकते हैं कि हम कोई भी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। और भी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, ये भी जानेंगे जो लोग असत्य के मार्ग पर चल रहे हैं उनके जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ रुकते हैं अल्प विराम के लिए, बने रहिए हमारे ग्लोबल हेडक्वार्टर्स आनंद मार्ग प्रचारक संघ आनंद नगर पोस्ट ऑफिस बागलता डिस्ट्रिक्ट पुरुलिया वेस्ट बंगाल 723215 इंडिया फोन नंबर्स 03254
260248 09431103725, our website www.amps.net.in, camp office Madhu Manjusha, Hehal, Ratu Road, Ranchi 834005, Jharkhand. Phone numbers 06512511387, 09431103725, Delhi office D41 South Extension Part 1, New Delhi 110049. Phone numbers 011-2464-3344, 098-1892-7367, 099-9898-7923. इस अल्प विराम के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे विशेष कार्यक्रम आनंद मार्ग में, जहां निरंतर हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप अपने जीवन को आदर्श के रूप में कर सकते हैं एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण, वो भी अपने किए गए कार्य के द्वारा। यानी कि आपको ऐसे कार्य करने हैं जो आपके लिए लाभकारी हो, साथ साथ समाज के लिए और राष्ट्र के लिए भी बहुत अच्छे हो। आपको अपनाने हैं वो राह, यानी कि वो रास्ता, वो पथ अपनाना है जो आपके लिए भी सुखमय हो, इस देश के लिए भी अच्छा हमेशा रहे। हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं आचार्य रुद्रानंद अवधूत जी महाराज, जिनके कई वर्षों के हम कहेंगे अनुभव से हम समझ रहे हैं कि सच में आनंद मार्ग की संस्था क्या कहती है, कैसे है उनके द्वारा कल्याणकारी राष्ट्र का निर्माण। हमारी चर्चा बनी हुई है कैसे सत्य मार्ग पर चलकर अपने अंदर की कुरूतियों को दूर करने के साथ साथ राष्ट्र में फैली कुरूतियों को हम दूर कर सकते हैं। हमने कहा था कि जानेंगे कि असत्य के मार्ग पर जो लोग चले हुए हैं, जो लोग पथ बना हुआ है पहले से, अब उनको राह भले ही मिले लेकिन पहले से उनका मार्ग जो है असत्य के मार्ग पर बना हुआ है, अगर वो असत्य के मार्ग पर निरंतर चलते रहे तो क्या प्रभाव पड़ सकता है उनके जीवन पर। सत्यवादी अंदर से जानता है कि मैं जो बोल रहा हूं सही है, और उस पर जब वो खड़ा रहता है और उसकी जो ओज की शक्ति है उसको मदद करती है, और जो असत्य का रास्ता जिसको है वो भी जानता है कि मैं गलत हूं, और जब वो पकड़ा जाता है गलती करते हुए, असत्यवादी एक्शन के चलते पकड़ा जाता है जी, तो उसको आमतौर पर देखा जाता है कि ऐसे लोग जो पहुंचते हैं पुलिस पकड़ती है तो आईसीयू में भर्ती किए जाते हैं, और आमतौर पर सुना जाता है उनको हार्ट का रोग हो गया। तो यानी कि रोगों को भी वो ग्रसित कर सकते हैं, होगा, क्योंकि सत्यवादी अपने थायराइड के द्वारा अपने हार्ट को भी कंट्रोल करेगा, और ऐसा थायराइड एक ग्रंथि है गले में, अगर कोई बोलने वाले को अचानक अगर कोई घबराहट हो गई या परीक्षा में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, दिल की धड़कन बढ़ गई, तो उसमें अगर थायराइड को इस प्रकार से अगर आदमी मसाज कर दे
तो वो दिल की धड़कन कंट्रोल करके अपने मन को संतुलित रख सकता है जी। लेकिन अगर मन में द्वंद है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत है, वो जानता है कि हम गलत चीज को बोल रहे हैं, तो अगर सत्यवादी है तो ऐसी बात वो बोलेगा नहीं। तो एक सत्यवादी अपने रोगों से भी अपने को दूर रख सकता है, क्योंकि अपने थायराइड के सिक्रेशन को कंट्रोल करके हार्ट को कंट्रोल करेगा। तो अपने लाइफ को मैनेज कर लिया जी, बार बार उसको डॉक्टर के पास को हवाले अपने को करने की आवश्यकता नहीं हुई। उसके घर वाले भी जाने कि जो बोल रहे हैं सब सही बोल रहे हैं जी। समाज भी समझे कि आदमी झूठा नहीं है, सही बोल रहा है जी। तो उस पर विश्वास होगा, तो उसका समाज पर इम्पैक्ट हो रहा है, अपने को मैनेज कर रहा है। इसलिए इस चरण को, इस सोपान को जीवन में अपना करके सत्य को हम बहुत बड़ा उपकार अपना, समाज और देश का कर सकते हैं, दुनिया का कर सकते हैं। बिल्कुल, ये जो नैतिक मौलिक हमारे जो नियम हैं ये व्यवहार के लिए है, शास्त्र में रखने के लिए नहीं, खाली चर्चा के लिए नहीं, ये व्यवहार के हैं। इसको अपनाना आनंद मार्ग दिनचर्या में इसको डालता है कि हमारे साधना जीवन में यम नियम का पालन आवश्यक है। इसके ये हमारे साधना का पहला चरण है जी। इसी से हमारी साधना शुरू होती है। बिल्कुल, अगर हम कोई भी शुभ काम करते हैं या अपना कोई नियम बनाते हैं, जैसे हमने रूटीन की भी पहले बात की थी, कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का आचरण करना बेहद आवश्यक है। ब्रह्म आचरण है क्या, ये पहले आपसे समझना चाहेंगे। ब्रह्मचर्य शब्द के बारे में भी सत्य जैसे गलतफहमियां हैं, अहिंसा जैसे गलतफहमियां हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब आदमी आमतौर पर शारीरिक ब्रह्मचर्य से समझता है जी, लेकिन ब्रह्मचर्य शब्द के दो सिलेबल है, ब्रह्म और चर्य। ब्रह्म माने परमात्मा और चर्य माने उनकी तरफ चलना, परमात्मा की तरफ चलना। तो ये जो हमारा एक्शन है परमात्मा की तरफ चलने वाला, ये ब्रह्मचर्य से संबंधित है। इसमें हमारा जो वाइटल एनर्जी है शरीर की, उसकी रक्षा तो है, उसकी रक्षा होगी तो हम इसको चलने में सहूलियत होगी, क्योंकि हम शरीर से जितने कमजोर होंगे नर्वस सिस्टम हमारा उतना ही वीक होगा, हमारी ग्लैंड्स उतनी कमजोर होगी, तो परमात्मा की तरफ हम कमजोरी से चलेंगे। इसलिए शारीरिक ब्रह्मचर्य का भी महत्व है, उसको नैष्ठिक ब्रह्मचर्य कहते हैं। इसलिए गृहस्थ भी नियम से रहेगा और सन्यासी और ब्रह्मचारी को तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य पालन करना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मचर्य का कोई भौतिक और शारीरिक मीनिंग नहीं है, इसका मानसिक और आध्यात्मिक अर्थ ही है कि जब अपने कर्म के द्वारा, अपने मानसिक स्थिति के द्वारा हम अपने आप को परमात्मा की तरफ चलाते हैं और हर कर्म में हम परमात्मा का विकास देखते हैं कि संसार क्या है जी। परमात्मा का ही विकास है, हम ऐसा अभ्यास करते हैं। आनंद मार्ग में इसको कहते हैं मधुविद्या, ब्रह्मचर्य की साधना। ये भी एक साधना है जिसके लिए शरीर में वीर्य का पचन होना चाहिए, उसके लिए उपवास है, उसके लिए नियम है, उसके लिए सात्विक आहार है। लेकिन ये केवल शारीरिक अर्थ में नहीं होता, ये मनसाध्यात्मिक इसका अर्थ है जी। ऐसे करके हम एक सबल व्यक्तित्व का निर्माण करके एक उन्नत राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। आज इसका अभाव हो गया है जी। शिक्षा का अभाव हो गया, इस प्रकार की शिक्षा नहीं है, हम बच्चों को सिखाते नहीं है, इसलिए बच्चों के जीवन में असंयम आ रहा है, गृहस्थ के जीवन में भी संयम आ रहा है। इस प्रकार के ब्रह्मचर्य का दोनों पालन कर सकते हैं, सन्यासी भी और गृही भी। गृहस्थ संयम में रहेगा और सन्यासी नष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करके अपनी ऊर्जा को परमात्मा प्राप्ति में और समाज की सेवा में लगाएगा। बिल्कुल, यानी कि समाज के कल्याण के लिए कहीं ना कहीं हमें ब्रह्मचर्य का आचरण करना बेहद आवश्यक हो जाता है, भले ही थोड़ा सा समय निकालना पड़े लेकिन जरूरत पड़ जाती है उसकी। अपरिग्रह क्या होता है, ये भी बहुत प्रचलित रहता है आनंद मार्ग के हमने विषय में जब पढ़ा था उसमें भी हमने जाना था, लेकिन आपके माध्यम से जाना चाहेंगे कि कैसे इसको हम विस्तार से समझ सकते हैं। अपरिग्रह का जो व्यवहार है शास्त्र में और आनंद मार्ग जो आचरण सिखलाता है, जीवन रक्षा के अतिरिक्त वस्तुओं का त्याग करना जी, आगे बढ़ने के लिए हमको कोशिश करते रहना, लेकिन हम जितने में संतुष्ट रह सकते हैं, जितने में आसानी से रह सकते हैं, उतने ही में हम अपने आप को रखें, अनावश्यक रूप से मन पर बोझ न डालें। लेकिन आज ये नैतिक नियमों का आचरण नहीं होने की वजह से हम ये भूल गए हैं कि हमको कितना साधन चाहिए। बिल्कुल,
हमको कितने कपड़े से काम चल जाएगा, हमको कितने जूते से काम चल जाएगा, हम कितना बार खाने से काम चल जाएगा, हम कितने व्यवहार की चीज़ों को रखें उससे काम चल जाएगा, क्योंकि संसार कितना भी बड़ा हो उसकी सीमा है। तो आदमी के भोग पर कंट्रोल नहीं रखने की वजह से ये, और इसके यही है कि अपरिग्रह का पालन नहीं है। प्राचीन जीवन में इसको जीवन में उतारते थे, सिखाते थे कि भाई तुम्हें कितना चाहिए। बिल्कुल। तो आज सीमा नहीं है भौतिक वस्तुओं की। अगर एक वस्तु है तो मन करता है दूसरी और आ जाए। एक टीवी है तो बाजार में देखाते हैं कि बड़ी वाली आ गई, इसमें ये ले लिया जाए। एलसीडी नहीं तो एलईडी ले लिया जाए। मतलब इच्छा बढ़ती ही जाती है। तो इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, साधन तो सीमित होंगे ही हमेशा। दुख का सबसे बड़ा कारण तो यही है। उसी प्रकार से आप देखिए जितना करप्शन है आज, उसकी जड़ में है अपरिग्रह का पालन नहीं होना। जी। आज हम बैंक की तरफ है, विदेशी बैंकों की तरफ क्यों भाग रहे हैं कि हम लूट करके और ऐसे जगह पर जमा कर दें कि जब जब चाहे हम उसका भोग कर सकें। अरे कितना भोग करेगा भाई। बिल्कुल। तो अगर व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, नेशनल जीवन में अगर अपरिग्रह का पालन होने लगे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। जितने करप्शन है उसकी जड़ है अपरिग्रह का पालन नहीं होना। बिल्कुल। तो इसलिए ये भाषण देने से नहीं होगा, किसी को अमल करना, बेहद अमल करना होगा। अमल करवाने वाली मशीनरी होनी चाहिए। जी। तो परिवार में माँ बाप मशीनरी है, गार्जियन है वो करे, और समाज में समाज के अगुवा अपने करें और दूसरों को सिखावे। अगर 20 कार तुम रखते हो तो दूसरे को कैसे कहोगे साइकिल पर चलो। बिल्कुल। इसलिए कहने वाले को करके दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल। कहीं ना कहीं हमें जो आधार है वो बचपन से ही देना पड़ेगा, क्योंकि वही बड़े होके यूथ बनते हैं और यूथ ही हमारे राष्ट्र के निर्माण, अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। तो हम जितने में जी सकते हैं, सहज ढंग से रह सकते हैं और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमको आवश्यकता होगी तो और हम करेंगे साधन के मुताबिक। हम जेन केन प्रकारेण नहीं करेंगे उसको। उसको हमारे पास साधन होगा तब उसके बारे में सोचेंगे, पहले ही चिंता नहीं करेंगे। उसी से करप्शन फैलता है। इसलिए इन नियमों का, ये नेशनल और सोशल रिपरकशंस हैं जी, उसको अगर ध्यान में रखें तो इसीलिए आनंद बार धर्म की साधना के द्वारा नैतिकता के मौलिक नियमों को जीवन में उतार करके और इसका एप्लीकेशन समाज और देश के लिए कर रहा है। ठीक है, इन सब कामों में विलंब होता है जी, टाइम तो लगता है। बिल्कुल। बच्चा माँ के गर्भ में बनने में भी 9 महीना लगता है और आदमी के व्यक्तित्व के निर्माण में तो समय लगेगा। इसलिए काम है ये सबके सहयोग का कि सब लोग इसको समझें, अपनाएं और देखें कि हमको भारत को किस तरफ ले जाना है। बिल्कुल। बहुत अच्छी सोच है आपकी, बहुत अच्छी एक मार्ग मिल रहा है हमें आनंद मार्ग के द्वारा कि हमें धीरे ही सही, थोड़ा देर से ही सही, एक सही और अच्छी राह अवश्य मिलेगी और इसमें कोई संदेह नहीं। जब हम किसी उद्देश्य, किसी टारगेट पे चलते हैं थोड़ा समय तो लगता ही है, लेकिन उसमें कोई संदेह नहीं कि हम उसे पा सकते हैं। आप यहाँ तक आए, अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाते जाते यही कहेंगे कि आप चाहते हैं कि आपका लक्ष्य पूरा हो, यानी कि एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके, तो बच्चों को बचपन से ही, यानी कि उनका बेसिक नीड जो है ऐसी दी जाए कि जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार ही हो, उससे अधिक नहीं, क्योंकि आने वाले समय में जितनी भी पीढ़ी है उनको भी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है, यानी कि अच्छे और आदर्श राष्ट्र के निर्माण के लिए हमें ही अपने कार्य करने हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही, विराम चाहेंगे आप। Oh,